हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी पिछली सीरीज आइसोमेरिज्म का पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, थैंक यू। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कशन में लाते हैं। गिवन दैट द बाइनेफ्थॉल इज स्ट्रक्चर गिवन है एंड ऑप्शन ए रिलेटेड है, ऑप्शन ए में बोल रहे हैं एनाप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग कायरल सेंटर, ऑप्शन बी एनाप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्शन सी अ मेजो कंपाउंड एंड ऑप्शन डी एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विदाउट हैविंग कायरल सेंटर। तो आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है। कैसे है लेट मी एक्सप्लेन यू। एंड क्वेश्चन नंबर ए हो ही नहीं सकता ऑप्शन ए, बिकॉज किसी भी कायरल सेंटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस तरह से होती है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो हमेशा। लेट्स दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज CH3 एंड दिस इज एनी ग्रुप लाइक क्लोरीन मान लेते हैं, तो ये कायरल सेंटर है क्योंकि R1 नॉट इक्वल टू R2, CH3 एंड Cl ऑल आर डिफरेंट, तो ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर्स आर ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो कभी sp2 एंड sp नहीं हो सकते। एंड इसमें तो sp3 कायरल सेंटर कहीं दिख ही नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम बताते हैं कि कैसे है। एक्चुअली मेनी ऑफ कंपाउंड्स आर सच कंपाउंड्स इन विच देर इज नो कायरल सेंटर प्रेजेंट स्टिल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, जिसमें फर्स्ट आते हैं यही फिनाइल ग्रुप्स। इसे मान लीजिए दो फिनाइल ग्रुप्स दिए हुए हैं और अगर यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंडर्ड ग्रुप नहीं लगे हों, लेट से कोई स्मॉल ग्रुप हो, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, तो इनमें इस हाइड्रोजन की साइज काफ़ी लो होती है, मतलब काफ़ी स्मॉल होती है, तो कोई हिंड्रेंस नहीं होता, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर ही रहता है। एंड सिंस इट इज प्लेनर तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री खुद ही होगी, जो इसकी खुद की प्लेन होगी वो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा होगा ही, मतलब ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट अगर हम इन्हीं ग्रुप्स में ऑर्थो पोजिशंस पे अगर कोई स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप लगा दें लाइक टॉर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप्स, तो अब जो ये रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे कि ये रिपल्सन को रिड्यूस करने के लिए नॉन प्लेनर हो जाएंगे। एंड नॉन प्लेनर होने के लिए एक जो होगा फिनाइल ग्रुप वो प्लेन में ही लाई करेगा एंड अनदर वन जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, एक साइड आउट ऑफ प्लेन एक साइड बिलो द प्लेन, समझ में आई, टू रिड्यूस द रिपल्सन, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है, यू नो दैट CH3 CH3 एंड CH3, इनमें खुद ही रिपल्सन काफ़ी हाई होता है, दैट्स वाई ये नॉन प्लेनर हो जाते हैं। अगर नॉन प्लेन है और मेटा पोजीशंस पे चार ग्रुप्स लगे हैं जिसमें ए नॉट इक्वल टू बी है एंड सी नॉट इक्वल टू डी है, देन सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि इनमें न कोई सिमेट्री एलिमेंट कोई भी नहीं है, न प्लेन ऑफ सिमेट्री, न सेंटर ऑफ सिमेट्री, न एक्सिस ऑफ सिमेट्री, न अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चारों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, स्टिल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली एक केस और आता है फिनाइल ग्रुप में ही, बाई फिनाइल ग्रुप में अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो एक ये आता है कंडीशन कि हम मान लीजिए यहीं पर कोई बहुत बड़ी ग्रुप्स लगा दें ऑर्थो पोजिशन पे, लेट्स से फिनाइल ग्रुप, दिस इज टर्शियरी मिथाइल ग्रुप, सॉरी टर्शियरी ब्यूटाइल, यहाँ पर SO3H ले लेते हैं एंड यहाँ पर लेट्स से NO2 ले लेते हैं, तो ग्रुप काफ़ी बड़े बड़े हैं तो अगेन ये नॉन प्लेनर होगा,
नॉट प्लेन और होने के बाद ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी, देयर फोर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। यही काम इसमें हुआ है। OH ग्रुप तो फिर भी थोड़ा स्मॉल ग्रुप है, बट फिनाइल ग्रुप जो ऑर्थो पोजिशन पर है वो काफ़ी बड़े ग्रुप्स हैं, ड्यू टू विच ये जो फिनाइल ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं, और इसमें ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, हेंस दिस इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विदाउट हैविंग कैरल सेंटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इज अ पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स। बेसिकली इनेंसियोमर्स वो होते हैं जिनका कॉन्फिग्रेशन जस्ट अपोजिट हो। मान लेते हैं अगर किसी भी ग्रुप की कॉन्फिग्रेशन आर है और उसको अगर हम ऑड एक्सचेंज कर दें तो कॉन्फिग्रेशन एस हो जाती है, तो ये दोनों इनेंसियोमर्स होते हैं। अब CIP सिस्टम के हिसाब से पहले हम प्रायोरिटी दें फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था शॉर्ट ट्रिक, इसमें हम किसी को भी मान लेते हैं। लेट से दिस वन, हमने इसको मान लिया है कॉन्फ़िगरेशन दो सेंटर्स हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन R, R है, और अगर हम ऑड एक्सचेंज करते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, और इवन एक्सचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। ठीक, तब इसमें बिफोर कंपैरिजन हम ये देख लें कि कनेक्टिविटी एंड रोटेशन सेम है कि नहीं, क्योंकि आइसोमेरिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही प्ले करते हैं। तो अगर हम देखें तो इस वाले ग्रुप में कैविटी नीचे के साइड है, बट इन दिस ग्रुप कैविटी जो है वो अबव साइड है, मतलब ये इन दोनों ग्रुप्स एक्चुअली सेम नहीं है अभी। तो इसके लिए पहले हम इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, ताकि कंपैरिजन के लिए दोनों सेम तो हो पहले। अगर हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो जो अबव द प्लेन ग्रुप ब्रोमीन है वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, एंड जो क्लोरीन बिलो द प्लेन है वो अबव द प्लेन चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस इज ब्रोमीन एंड दिस इज क्लोरीन। और अगर आप देखें ये और ये मॉलिक्यूल सेम है, बोथ आर सेम, हेंस दिस वन इज आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है। बेसिकली बस खाली 3D स्ट्रक्चर में इनको रोटेट कर दिया गया है जिससे कि वो लग रहे हैं कि इनेंसियोमर, बट दीज आर नॉट इनेंसियोमर्स ऑफ ईच अदर। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो हम इसको भी R, R मान लेते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसी ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। अब ये इन द प्लेन था, अब ऑफ द प्लेन आ गया, मतलब ऑड एक्सचेंज हुआ है, वन टाइम एक्सचेंज, और वन टाइम एक्सचेंज हुआ है तो ये R से S हो जाएगा दिस वन। सिमिलरली अब ऑफ द प्लेन से बिलो द प्लेन चला गया, मतलब ऑड एक्सचेंज हुआ है तो ये भी S हो जाएगा। तो R से जस्ट अपोजिट आ रहा है SS, हेंस बोथ आर इनेंसियोमर्स ऑफ ईच अदर। अगर हम सी की बात करें तो सी जो मेजो कंपाउंड, अगर हम इस प्लेन के थ्रू देखें, इस मिरर को हम लगा दें तो जो अबव है वही बिलो भी है, तो ये मेजो कंपाउंड्स है, और मेजो कंपाउंड्स का मिरर इमेज भी एक मेजो कंपाउंड ही होता है, एंड बोथ आर नॉट रिलेटेड एज इनेंसियोमर्स, दे आर आइडेंटिकल। आइए ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में अगेन कॉस्मेट्री तो है नहीं, मतलब कैरल कंपाउंड है, कैरल कंपाउंड है, तीनों को हम R, R, R मान लेते हैं। अब ये अबव द प्लेन अभी भी बिफोर इस ग्रुप में, इस कंपाउंड में भी है और इसमें भी है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम, यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन सेम, बट ये यहाँ पर बिलो द प्लेन था बट अब अबव द प्लेन आ गया, मतलब ऑड एक्सचेंज हुआ है
ऑर्डर चेंज हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। तो ये ना जस्ट अपोजिट हुआ ना सेम रहा। अगर ये RRR to RRR होता तो ये सेम मॉलिक्यूल होते, आइडेंटिकल होते, और RRR to SSS होते और SSS आता तो हम इन्हें एनेंसियोमर्स कहते। बट ना सेम है ना जस्ट अपोजिट है। इन सच केसेस दे कैन बी रिलेटेड एज डायस्टेरियोमर्स। आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा कि इनेंसियोमर्स डायस्टेरियोमर्स का क्या फंडा है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज गिवन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स दैट कुड एग्जिस्ट फॉर द कंपाउंड बिलो। ये कंपाउंड हमें गिवन है एंड इसके हमें नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स निकालते हैं। तो इसके आंसर निकालने से पहले मैं आपको कुछ एकदम क्लियरली बता देना चाहूँगा। कोई भी गिवन कंपाउंड होगा या तो सिमेट्रिकल होगा या तो अनसिमेट्रिकल होगा। अगर अनसिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं 2 to the power n होते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, बेसिकली दो सेंटर्स जहां पर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक, या फिर वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होते हो। सिमेट्रिकल में 2 केसेस बनते हैं, अनसिमेट्रिकल में सिर्फ एक ही केस बनता है जिसमें कि टोटल 2 to the power n हो जाता है। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 to the power अगर n इक्वल टू 3 है तो 2 to the power 3 हो जाता है, टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। सिमेट्रिकल में 2 केसेस बनते हैं, या तो n ऑड नंबर को बिलोंग करेगा या तो n इवन नंबर होगा। इफ n इज ऑड देन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज गिवन बाई 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 by 2। ये n माइनस 1 बाई 2 है, नॉट n माइनस 1/2। एंड अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो 2 to the power n minus 1 होते हैं प्लस 2 to the power n by 2 minus 1। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर n ऑड है तो डिवाइड बाई 2 करने के लिए तो वो डेसिमल में आएगा, अगर ऑड होगा तो हम माइनस 1 कर देते हैं ताकि वो इवेन आ जाए, फिर डेसिमल का झंझट ही खत्म हो जाए। सिमिलरली अगर ये पहले ही से इवेन है, माइनस 1 करेंगे तो ऑड हो जाएगा, गड़बड़ क्रिएट कर देगा, इसीलिए हम n बाई 2 करते हैं फिर माइनस 1 करते हैं। ये बेसिकली याद करने का तरीका आप समझ सकते हैं। अब आइए अपने कंपाउंड पे चलते हैं। ये तो हो गई आपकी थ्योरी जो बड़ी सिंपल होती है, एक फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन ये काफ़ी काम भी आता है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने के लिए, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड्स बनाना और एग्जाम में जो टाइम लिमिटेशन होती है उसमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो आइए कंपाउंड पे देखते हैं। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स की हम बात करें तो ये कायरल है, ये भी कायरल है, दिस वन इज ऑल्सो कायरल एंड दिस इज ऑल्सो कायरल, बट ये मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल है, जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड है, सिंस इट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है एंड n इक्वल टू 4 है, मतलब इवेन है, मतलब ये वाली फॉर्मूला यूज होगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अगर हम निकाल लें तो 2 to the power n minus 1 दैट इज 3 प्लस 2 to the power n by 2 2 minus 1, 2 to the power 3 8 प्लस 2 minus 1 2 एंड दिस इज 10, दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स इज बेस्ड Described as, ये गिवन दोनों कंपाउंड्स गिवन है बेसिकली और इन दोनों में रिलेशनशिप हमें
डिफाइन करना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहे हैं आइडेंटिकल है, ऑप्शन बी कह रहे हैं डायस्ट्यूमर है, ऑप्शन सी एनसियोमर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव, मतलब इन तीनों में कोई नहीं। अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो नंबरिंग हम करें 1 2 3 4 5, और इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। हम नॉर्मल क्लेचर की नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम ये कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कर रहे हैं। अगर हम कनेक्टिविटी चेक करें तो 1 पर CH3 है, यहाँ वहाँ भी CH3 है, यहाँ पर 2 पर कोई सिर्फ हाइड्रोजन्स हैं बट यहाँ पर 2 पर CH3 ग्रुप है, और 3 पर यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, और यहाँ पर 4 पर मिथाइल और यहाँ पर गायब है। कुल मिला जुला कर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर और फॉर्मूला इज सेम बट कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। यहाँ पर कनेक्टिविटी 1 3 4 पर थी और यहाँ पर कनेक्टिविटी 1 2 3 पर थी, एंस दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नॉट स्टीरियो आइसोमर्स, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी अगर मैं पार्ट को बताऊं तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, आपने अगर पढ़ा हो तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो हिंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, आइडेंटिकल है नहीं, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, डायस्टीरियोमर्स एंड एनसियोमर्स तो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए डिफाइंड होते हैं, और यहाँ पता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 डिटरमाइन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लेबल्ड कार्बन। दो कार्बन सेंटर्स दिए हैं ए एंड बी, जिसमें कि हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना है। चेयर फॉर्म गिवन है, इसको हम जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो मेरा एक चीज़ याद रखें आप, इसको हमेशा साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अगर हम इस कार्बन को देखें, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, ये क्लोरीन एटम जो है वो अबव जा रहा है, इस चेयर के अबव है, मतलब ये अबव द प्लेन है। अगर ये नीचे के साइड होता तो ये बिलो द प्लेन जाता, मतलब डैश लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये नीचे जा रहा है और एक ऊपर जाने वाला है, तो ये जो ऊपर जा रहा है वो अबव द प्लेन है, और जो ये नीचे जा रहा है क्लोरीन वाला, ये बिलो द प्लेन है। एडजेसेंट कार्बन्स पर हैं तो ये क्लोरीन बिलो द प्लेन आ गया, यहाँ तक आ गए। अब दूसरा स्टेप के लिए अगर हम बात करें तो ये सेंटर ए है, ये सेंटर बी है, हम ए वाले सेंटर कार्बन को इस तरह से ले आते हैं, यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, कोई कुछ नहीं गिवन है तो हाइड्रोजन होता ही होता है, बिलो द प्लेन है। अब नंबरिंग, अब एक चीज़ ये है कि अगर हम साइक्लिक फॉर्म में ही नंबरिंग करें तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम सिर्फ नंबरिंग से ही काम चला लेते हैं। क्लोरीन की प्रायोरिटी 1 होगी। अगर हम इस लाइन को देखें जो नीचे वाली है, तो इधर CH और CL अटैच्ड है, और यहाँ पर CH2, मतलब इसकी सेकेंड प्रायोरिटी आएगी, इसकी थर्ड एंड इसकी फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज जा रहा है, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है, और कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज मतलब R, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन है, अगर वो अबव द प्लेन होगा तो जैसा हम एज्यूम करते हैं जस्ट उसका अपोजिट कर देता है वो, है ना। तो ये A का कॉन्फ़िगरेशन तो आ गया, दैट इज R। अब B का भी डिसाइड कर लेते हैं, अगेन बी को भी हमने यहाँ से ये तोड़ के, यहाँ से ये तोड़ के और ले आए उठाकर यहाँ पर, ये सीएल हमारा अबव बिलो द प्लेन है और हाइड्रोजन हमारा बिलो अबव द प्लेन है। और अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर के डिसाइड करें तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। सेकेंड अगर हम देखें तो अबव साइड में CHCl अटैच्ड है, बिलो साइड में CHH अटैच्ड है, मतलब इसकी सेकेंड प्रायोरिटी आएगी, ये थर्ड प्रायोरिटी एंड दिस इज फोर्थ। इसको हम इग्नोर करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोटेट करेंगे। तो 1 2 3 ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बट तो इसको एस होना चाहिए था, बट ये एस होता नहीं है। एस तब होता है जब ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होता है। सिंस इट इज अबव द प्लेन तो एस का जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो एस का आर हो जाता है। अगर अबव द प्लेन वाले ग्रुप, कंडीशन ये कहती है, कंडीशन कहती है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट बिलो द प्लेन। अगर हम वेज डैश फॉर्मूला में कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं तो, बट यहाँ पर तो अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में चेंज कर देते हैं वन टाइम। तो जो बी का कॉन्फ़िगरेशन आया दैट इज ऑल्सो आर, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ए टू डी विल बी प्रोड्यूस्ड इफ अ रिंग फ्लिप अकर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड इन चेयर फॉर्म। बेसिकली ये चेयर फॉर्म है और ये हम से रिंग फ्लिपिंग की बात कर रहे हैं। रिंग फ्लिपिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, जो एक्सियल पोजीशंस पे ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं वो इक्विटोरियल आ जाते हैं, एंड जो इक्विटोरियल पर होते हैं वो एक्सियल पर चले जाते हैं, एंड उनका जो पोजीशन है एक कार्बन शिफ्ट हो जाता है। कैसे मैं बताता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल्स पहले क्लियर कर दूँ। दिस इज चेयर फॉर्म और यहाँ पर CH3 ग्रुप कोई प्रेजेंट है, ये एक्सियल पोजीशन है। अब हमने क्या किया, इसकी रिंग फ्लिपिंग करा दी। रिंग फ्लिपिंग कराएं लाइक दिस। रिंग फ्लिपिंग में क्या है कि ये CH3 ग्रुप अब यहाँ पर चला आएगा और ये एक्सियल से इक्विटोरियल पर पहुँच जाएगा। दिस ये होती है रिंग फ्लिपिंग में, और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन वन होगी। अगर हम इस इक्विलिब्रियम अगर रिच होगा तो इसकी इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन होगी क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। सब्स्टिट्यूएंट शुड बी प्रेजेंट एट इक्विटोरियल पोजिशन टू गेट मोर स्टेबल चेयर फॉर्म। अब चलिए आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसा कि हम जान गए रिंग फ्लिपिंग में कार्बन जो इक्विटोरियल हैं वो एक्जियल पहुंच जाएंगे, जो एक्जियल हैं वो इक्विटोरियल पहुंच जाएंगे, एंड वन वन कार्बन की जो शिफ्टिंग होती है ऐसा हमें मतलब लगता है, ये इक्विटोरियल है तो ये एक्जियल चला जाएगा, इस पे एक कार्बन दूसरा कार्बन छोड़ के वन टू सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन पर ये क्या है, ये बिलो द प्लेन है, या फिर कह सकते हैं तो ये जो इक्विटोरियल पोजीशन पर है वो एक्सियल में चला जाएगा, एंड ये जो इक्विटोरियल पोजीशन पर है वो ये भी, आई थिंक मैंने कुछ गलत लिखा है क्या क्वेश्चन में, आई एम सॉरी, आप बुक में अगर देखेंगे तो ये इक्विटोरियल पर ना देखे एक्सियल पर CH3 दिया हुआ है ना, ये मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। अब क्लियर हो गया, तो ये इक्विटोरियल से एक्जियल हुआ, ये भी इक्विटोरियल से एक्जियल हुआ, बट ये एक्जियल था तो ये इक्विटोरियल हो जाएगा, है ना। तो और ऑप्शंस में मैच कर रहे हैं तो इक्विटोरियल इक्विटोरियल एंड एक्जियल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको ये समझ में आया, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कशन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट स्टेबल। आपको बता दूं कि चेयर फॉर्म में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स अगर वो इक्विटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट हों तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। ये इक्विटोरियल पोजीशन है, ये है, ये दिस एंड दिस, ये जितने भी पोजीशन है ये इक्विटोरियल पोजीशंस होती हैं। और अगर एक्जियल पोजीशंस की बात करूं तो एक्जियल पोजीशंस में मैंने पिछले पार्ट में ही बताया था कि जितने भी वाई एक्सिस के पैरेलल जितने भी आएंगे, ये वाई एक्सिस होता है हमारा,
इसके जितने भी पैरेललोग्राम मैच करें तो जितने भी बॉन्ड्स आएंगे वो सब एक्सियल होते हैं। बेसिकली याद करने का एक तरीका है, क्योंकि वाई एक्सिस तो सबको पता है, बट चेयर फॉर्म में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा इक्विटोरियल है कौन सा एक्सियल है। इसके लिए मैं बता दिया आपको कि जितने भी वाई एक्सिस के पैरेलल फॉर्म्स होते हैं चेयर फॉर्म में वो सब एक्सियल फॉर्म होते हैं। तो और ये भी जान सब्सिट्यूएंट्स अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं तो वो चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में भी दोनों सब्सिट्यूएंट इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं एंड ऑप्शन डी में भी इक्विटोरियल पोजीशन पर हैं। लेकिन अगर ऑप्शन ए पर देखें तो ये पास में है, पास में है तो थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, आपस में रिपल्सन फील होगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। और अगर फोर्थ वाले पर देखें तो ये काफ़ी दूर है, इनके बीच में एक दो कार्बन आ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ा है तो रिपल्सन घटेगा, तो रिपल्सन घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें रिपल्सन काफ़ी कम होता है, इनफैक्ट ना के बराबर होता है। समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं कि विच इज द मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। हमें साइक्लिक कंपाउंड गिवेन है और हमें जो है इसका चेयर फॉर्म बनाना है और वो भी मोस्ट स्टेबल। जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया, सब्स्टिट्यूएंट अगर इक्विटोरियल पोजीशन पर हैं तो वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। इसी में दूसरा केस बनता है कि जो मोस्ट, और मान लीजिए कि दो सब्स्टिट्यूएंट हैं उसमें से एक है और उन दोनों में, मतलब यूं समझ लिया कुछ झगड़ा चलता है, एक इक्विटोरियल पे होगा तो दूसरा एक्सियल पे होना ही है, ऐसा कंडीशंस आ जाते हैं जिसमें कि आप और जैसे इस कंडीशन को आप सेटिस्फाइड करें तो कोई ना कोई एक ग्रुप एक्सियल जाएगा एंड कोई ना कोई एक ग्रुप इक्विटोरियल जाएगा। तो जो सबसे बड़ी ग्रुप है, जो बल्की ग्रुप है या फिर जो साइज में बड़े हैं उनको इक्विटोरियल पर रखते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी, एंड जो छोटे ग्रुप्स हैं वो एक्सियल पर रखते हैं। तो ये जो इथाइल ग्रुप है आप देख रहे हैं CH3 से तो बड़ा है तो हमने इसको इक्विटोरियल पर रखा, और इक्विटोरियल के साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये अबव द प्लेन है तो हमने इसको अबव द प्लेन भी रखा। अब 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे अबव द प्लेन हमें लगाना है तो यहाँ पर CH3 लगा दें। ये केस ए हो गया। अगर हम इसी का सेकंड केस भी बनाते हैं तो कुछ इस तरह से आता कि ये CH2 CH3 हमारा यहाँ पर आ जाता और CH3 यहाँ पर आ जाता, ये भी हो सकता है कंपाउंड बेस, बिल्कुल हो सकता है। अगर पॉसिबल कंपाउंड्स बोलते हैं तो ए और बी दोनों होते हैं, बट इन दोनों में हम कहे हैं कि विच इज द मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे जब ये CH2 CH3 इक्विटोरियल पर हो और CH3 एक्सियल पोजीशन पर हो। मोस्ट बल्की ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पर हो और लेस बल्की ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पर हो, ये बेसिकली एक्सियल पोजीशन पर हो मोस्ट बल्की एंड लेस बल्की एक्सियल पोजीशन पर। अगर दोनों एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी हो तो जैसे अब दोनों को अबव द प्लेन ही रखना था तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ही हमें एक कन्वर्जन करना था, तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये एक्सियल है ये भी एक्सियल है एंड CH2 CH3 CH2 CH3। बात आपको समझ में आई होगी, ये चेयर फॉर्म का फंडा था। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन RS कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पर, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। विच पेयर ऑफ सॉल्ट्स वुड हैव आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटीज इन मेथनॉल। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इन दोनों जो पेयर्स गिवेन हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी जो है किनकी सेम होगी। ऑप्शन फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड फोर्थ। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी जो फाइनेंशियल मॉडल्स में आपको पढ़ा होगा कि
इनेंसियोमर्स जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, CH3OH क्या है? CH3OH इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो इनेंसियोमर्स होती हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होती है, एक्सेप्ट देयर जो उनका जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो होता है अगेंस्ट वो डिफरेंट होता है, एक क्लॉकवाइज करता है एक एंटी क्लॉकवाइज करता है, और सिवाय उसके बाकी सारी प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है। तो जितने भी पेयर और जो भी पेयर्स होंगे अगर वो इनेंसियोमर्स प्रूव हो जाए कि वो दे आर इनेंसियोमर्स तो उनकी आइडेंटिकल सॉल्वेबिलिटी हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं, क्योंकि ये फिशर फॉर्म में है तो फिशर फॉर्म में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना काफ़ी इजी होता है, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी 2, इसकी 3 एंड इसकी 4। 1, 2, 3 रोटेट करेंगे क्या क्लॉकवाइज जा रहा है तो HCS होता है, हॉरिजॉन्टल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर सिनिस्टर बनता है तो ये S बना। और इसकी हम बात करें तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो VCR होता है एंड VACS होता है, वर्टिकल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से R बनता है एंड वर्टिकल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाने पर सिनिस्टर बनता है। अब चूंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है और एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं मतलब ये भी सिनिस्टर है, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ऐसे आ गया। तो अगर इन सभी पेयर्स में किसी की कॉन्फ़िगरेशन RR आ जाए तो वो इनके इनेंसियोमर्स होंगे और उन्हीं का सॉल्युबिलिटी जो है आइडेंटिकल होगा। आइए इसमें चेक करते हैं, दिस इज 1, 2, 3, 4 इसको इग्नोर करेंगे, 1, 2, 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो HCS होता है सिनिस्टर बनेगा, 1, 2, 3 हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं VCR रेक्टस बनेगा। सिमिलरली इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4 इसको इग्नोर करेंगे फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को, 1, 2, 3 रोटेट करेंगे, 1, 2, 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, वर्टिकल है तो R होगा VCR और इसमें प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टली है तो HCS होता है क्लॉकवाइज, तो इससे सिनिस्टर बनेगा मतलब ये R कॉमा S आया। सिमिलरली अगर इसको हम देखें तो ये 1, 2, 3 एंड 4 ये 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से R बनता है, हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से R बनता है तो ये R होगा। और इसकी हम देखें तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी एंड इसकी 4 होगी, इसको इग्नोर करेंगे, 1, 2, 3 ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन R। ये SS था, ये RR है, जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ इज इनेंसियोमर्स ऑफ ईच अदर। एंड सिंस दे आर इनेंसियोमर्स ऑफ ईच अदर देयर सॉल्युबिलिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज सेम, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस इज 4। आई होप आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो आइए आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 गिवन है, ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है इसकी, मतलब जिसको भी प्रॉपर्टीज और फाइनेंशियमर्स वगैरह पता है और जिनकी स्टीरोइसमर्स थोड़ी अच्छी है उनके लिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग कंपाउंड्स डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ, ऑप्शंस दिए हैं चार, देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, नथिंग, द डायरेक्शन इन विच दी इन विच देयर रोटेट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देयर इंटरेक्शन विद मॉलिक्यूल्स। पहले आइए चेक करते हैं कि ये दोनों हैं क्या एक दूसरे के, डाइस्टेरियोमर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, एनेंसियोमर्स हैं या फिर कुछ और हैं। तो अगर हम कैरलिटी कार्बन्स के चेक करें तो ये कैरल है, ये भी कैरल है, ये भी एंड ये भी, मतलब पांचों कैरल है। मतलब सबको हम अगर आर 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 एंड आर मान लें तो कोई डिफिकल्टी नहीं, हम तो एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालना स्टार्ट करें तो फिर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही निकालते रह जाएंगे एग्जाम्स में। तो हमने मान लिया कि ये सबकी कॉन्फ़िगरेशन आर है, क्योंकि अगर ये डायस्टेरियोमर होंगे तो जस्ट अपोजिट नहीं जाएगा, एनेंसियोमर होंगे तो जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, और आइडेंटिकल होंगे तो सेम यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फाइव टाइम्स आर है, ये भी फाइव टाइम्स आर आएगा, हमने ये मान लिया। अब देखें ये अबव द प्लेन से बिलो द प्लेन गया, मैं इसको मतलब इधर से काउंटिंग किया हूँ आर 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 सब। तो अगर हम देखें अबव द प्लेन से ये बिलो द प्लेन गया, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये अबव द प्लेन से बिलो द प्लेन गया, ये भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, ये बिलो द प्लेन से अबव द प्लेन गया, मतलब ये भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, क्योंकि जब ये भी बिलो द प्लेन, ये भी बिलो द प्लेन होता तब कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, तो ये रोटेट किए हैं, मतलब ऑड एक्सचेंज हुआ है। अगर इस OH की बात करें तो ये बिलो द प्लेन था, लेकिन इस वाले में ये अबव द प्लेन, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज। इसकी बात करें तो ये अबव द प्लेन था, अब ये बिलो द प्लेन हो गया और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ये फाइव टाइम्स आर हमने माना था और इसके रिस्पेक्टिवली ये फाइव टाइम्स एस आ रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, जस्ट अपोजिट आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हैं। एंड एनेंसियोमर्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि वो सिर्फ डायरेक्शन इन विच दे रोटेट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही डिफर करते हैं, बाकी देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन विथ मॉलिक्यूल सब सेम होता है, देर इज नो डिफरेंस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द डायरेक्शन विच दे रोटेट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आज हमारा ये पार्ट थ्री खत्म होता है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे, और अगर समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको कोई डिफिकल्ट आती है या फिर कोई सजेशन है कि और एक्सप्लेन करना चाहिए, या फिर एक्सप्लेनेशन सही है, या फिर जैसा भी आपको लगा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। टिल दैट थैंक यू सो मच। अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट फोर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।